86 में हमारा एक नेशनल सर्विस स्कीम NSS का एक कैंप में हमने कुछ नाटक का एपिसोड किया था जिसका एक रिएक्शन हुआ था पब्लिक के अंदर। तो हमको लगा कि एक थर्ड टाइप ऑफ थिएटर इज देयर। फर्स्ट इज आवर नॉर्मल एंटरटेनमेंट थिएटर, दूसरा कोई आर्टिस्टिक थिएटर जो हमको पढ़ाया जाता था। तो ये दो किस्म का नाटक ही होता था ये हमारा जानकारी था, लेकिन एक थर्ड भी थिएटर हो सकता है जिसमें थिएटर का सब्जेक्ट क्या है उसको लेके दर्शक का रिएक्शन भी हो सकता है। मुझे लगा कि ये थर्ड इज अनदर टाइप, तो उसका कौन कैसे क्या रूप हो सकता है उसका रिसर्च करने का मन बोला एज ए थिएटर स्टूडेंट। एंड एवरीबडी सेड स्ट्रीट थिएटर इज ए काइंड ऑफ थिएटर लाइक दैट, जहाँ पे सब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट और सब्जेक्ट को लेके लोग रिएक्ट करते हैं। तब हमने सफदर हाजमी से मुलाकात हुआ मेरा दिल्ली में, मैंने पूछा कि आप थोड़ा आके ट्रेनिंग देंगे क्या। इन्होंने बहुत खुश हुए कि मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, लेकिन बोले कि इफ़ यू कैन बी ए कम्युनिस्ट पार्टी मेंबर देन आई कैन गिव यू ट्रेनिंग, अदरवाइज नॉट। तो हमने बोला नहीं नहीं मैं पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू डिस्कवर ए आर्टिस्टिक थिएटर जो सब्जेक्ट को लेके लोग रिएक्ट करें, उतना ही मैं जानता हूँ और कुछ नहीं जानता, आई वॉज टू यंग। तो इन्होंने जान गया कि मैं अभी तक अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है, और मुझे उनको क्या उत्तर देना चाहिए था ये रियलाइज़ करते करते भी 4-5 साल हो गया। इसी बीच में उनका मर्डर हो गया, और मर्डर होने के बाद हमको लगा कि नहीं नहीं वो कुछ सही कुछ बोल रहे थे क्या, क्योंकि वो बोल रहे थे कि डू यू थिंक व्हेन यू डू थिएटर मीन्स यू आर डूइंग पॉलिटिक्स। तो मैंने बोला ना, व्हिच आई वाज टेलिंग रॉन्ग। देन आई गॉट ए न्यू मतलब इन्फॉर्मेशन दैट बादल सरकार इज द टीचर ऑफ सफदर हाजमी। तो हमने बोला कि अरे बादल सरकार के साथ इसका क्या कनेक्शन है, क्योंकि हमारे पढ़ाई में बाकी इतिहास था, तो जो इतना बड़ा नाट्यकार है उनके साथ ये क्या है, वो तो नाट्यकार है। बाद में पता चला कि वो नाट्यकार नहीं है, वो ऐसे करते हैं दूसरा कुछ नाटक करते हैं, उनको भी थर्ड थिएटर बोलते हैं और बाहर करते हैं। मैंने बोला अच्छा ठीक है चलो उनसे हम ट्रेनिंग लेते हैं, बट इतना बड़ा लोग कैसे आएंगे। तब एक ही फ्लाइट था कलकत्ता से भुवनेश्वर, एयरपोर्ट वॉज ओनली फॉर कलकत्ता फ्लाइट। तो मुझे लगा कि ये तो फ्लाइट फेयर मांगेंगे, कहाँ से पैसा लाए। तो हमने हर दिन 10 रुपया 15 रुपया 20 रुपया 50 रुपया ऐसे एक थैली में रखे। जब 3,500 रुपया हो गया उस थैली को लेके मैं गया, मैं सोचा कि मैं सच में ऑनेस्टली बोलूँगा कि इसी थैली में जितना पैसा है उतने में जाने आने का खर्चा होगा और कुछ नहीं दे पाएंगे, आपको आना होगा आपको ट्रेनिंग देना होगा। सो आई स्टिल रिमेम्बर 1A प्यारी रो, एक उनका एड्रेस जो है वहाँ पे मैं जाके पहुँचा, मैं बैठा, उसके बाद बादल जी आए नीचे, बट आई कुडंट रिकॉग्नाइज। लुंगी पहनते और गंजी पहन के वो आ गए, लुंगी नहीं ट्राउज़र पहनते सर ट्राउज़र और ये, और आके बैठे, बोले यस बोलिए। मैंने बोला मैं थोड़ा बादल सरकार से बात करना चाहता हूँ, तो बोले मैं बादल सरकार हूँ। सो आई वॉज सो सरप्राइज। ଫର୍ମୁଲା ଫର୍ମୁଲା
हेले तुम्हें किए तुम ओडेश्वरे कही सक्सेस हेल नहीं शक्ति लगी मो आप डॉग्स आई मीन विदेश्वर वाशी विदेश्वरु हमने जब गांव में गया आई गॉट रिवोल्टेड विद इन माई सेल्फ कि जो स्टैनिस्लावस्की बोलता है जो बर्टोल ब्रेक्ट बोलता है वही चीज हमारे गांव में 300 से 500 साल पुराना है लेकिन मेरा ही मार्क कट गया था स्टैनिस्लावस्की का स्पेलिंग ठीक नहीं लगता था तो हमारे मन में आया कि हमारे प्रह्लाद नाटक को दुनिया नहीं जाना जो 2000 साल तक भी इन्होंने अभी भी 2000 AD में भी वो प्रैक्टिस करके दिखाते हैं लेकिन स्टैनिस्लावस्की का मॉस्को आर्ट थिएटर में और स्टैनिस्लावस्की नहीं बचा है वो मर चुका है उन्होंने अभी दूसरे ढंग का नाटक करते हैं उसके साथ स्टैनिस्लावस्की का कोई प्रैक्टिस नहीं है तो ये कैसे हो गया वो तो सब 18th century 19th century का लोग हैं और मैं जो फॉर्म का बात कर रहा हूँ गांव वाले 300 साल पुराना है उनका बाप उनको पैदा करने का सोचा नहीं होगा हमारे पास वो थ्योरी है बट नाउ इफ आई विल से कि मैं स्टैनिस्लावस्की कौन है तो मैं मूर्ख हूँ जब वो जो बोला है अब मैं अभी तक प्रैक्टिस कर रहा हूँ ऐसे कैसे हो सकता है तो इसीलिए मुझे लगा कि नहीं नहीं हमारे पास जो दम है उसी को लेके हम क्या कर सकते हैं हमको देखना है ये मेरा जीवन का मिशन होगा और 91 में ऑडिशन हो गया बादल सरकार देन आई डिस्कवर्ड नॉट ओनली बादल सरकार हवी तनवीर जो लंदन स्कूल ऑफ ड्रामा में काम पढ़ाई किया 12 साल तक यूरोप में काम किया वो सब कुछ छोड़ के आके छत्तीसगढ़ में अपना गांव वालों को लेकर नाटक कर रहे हैं कन्हैयालाल जी एक ऐसे ही एक इम्फाल के बाहर एक पहाड़ के नीचे काम कर रहे हैं जो बोल रहे हैं कि प्रकृति से सीखो वही इंडियन है विदेश से मत सीखो पानीकर जी बोल रहे हैं कि संस्कृत ड्रामा करो वही इंडियन है क्योंकि ब्रिटिशर्स केम बैक इन 60s पूछा कि भैया तुम्हारा इंडियन मॉडर्न थिएटर क्या दिखाओ तो तब तक कलकत्ता मुंबई दिल्ली ये सब जगह ही तीनों पॉइंट था जहाँ पे कुछ होता था तो इन्होंने जो जो नाटक दिखाया वो तो बोला ये भी हमारा नाटक है वी हैव कम टू सी व्हाट इज इंडियन थिएटर ये आपका भाषा है सही ठीक है कैरेक्टर आपका है लेकिन जो ढंग है तो थिएटर देखना चाहते हैं हम वो जस्ट वी आर लुकिंग एट आवर प्ले इन ट्रांसलेशन बट व्हाट इज योर प्ले दो फॉर्म शुड नॉट बी मिक्स्ड विथ एनीबडी इन द वर्ल्ड ऐसा क्या है आपके पास तो बहुत सारे लोगों का नींद टूटा था NSD तब तक तैयार था 70 तक तो 10 साल हो गया था और इन्होंने प्रचार करते रहे हाउ टू डू प्रोसीनियम थिएटर हम भी 6 साल पढ़ाई किया हाउ टू डू प्रोसीनियम थिएटर नाट्य चेतना भी पहले से प्रोसीनियम थिएटर करने के लिए रविंद्र मंडप बुकिंग करते थे तो ऐसे ही होते हुए हमने 92 में जब हमारा आंखें खोला तो हमने सोचा कि नहीं अलग ढंग का नाटक करेंगे और तब तक हम फुल टाइम हो चुके थे हम छत के ऊपर रिहर्सल करते थे पहले दूसरे जगह पे हम दूसरे छत में हमने देखा हमारा ऑडियंस क्रिएट होते रहे रिहर्सल देखने के लिए अपना काम ख़त्म करके जल्दी बैठ जाते थे और बहाने की हमारा काम खत्म है थोड़ा गर्मी लग रहा है जो भी है ऊपर है ऐसे सब करते थे लेकिन हमको लगा कि वो लोग हमको देख रहे हैं देखने के लिए शेड्यूल बना रहे हैं तो हमने उसी समय में उनको बोला था कि आप एक काम कीजिए ना हमारा नॉनस्टॉप हो रहा है दूर दूर से देख रहे हैं छोटा छोटा देखते होंगे आप सामने आ जाइए अच्छे से देखिए और उसी समय से हमारा एक बिलीव भी शुरुआत होता था कि डायरेक्टली इतना नज़दीक में नाटक करने में बहुत इंटीमेट लगता है बहुत अच्छा लगता है लेकिन संदेह था ये क्या थिएटर हो सकता है ऐसा भी था जो हमने बादल सरकार से क्लियर हुआ 91 में तो उसी समय हम डिसाइड किया कि ठीक है एक लैंड खरीद कर लेते हैं तो उसमें कितना लैंड हमको लगा कि हम 20 फैमिली रहेंगे काम करेंगे काम का जगह होना चाहिए और अकेला जगह में करेंगे तो मिनिमम 5 acres ऐसे ढूंढते 3 ऑप्शन मिला था ये ऑप्शन को हमने चुना ये लेने के लिए 2-3 कंसिडरेशन था पहला तो
ये जो माउंटेन है बरुणाई हिल्स, दैट इज ए वेरी माइलस्टोन फॉर आवर फ्रीडम फाइटिंग। वो जंगल था, वहीं पे छुप के रहते थे यहाँ के जितने सारे संग्रामी थे। सो दैट ऑल्सो हैज द लास्ट फ्रीडम फोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का। तो ऐसी ढंग से हमने यहाँ का जगह लिया और जो भी है सब ऑर्गेनिकली निकला है। और हमने दो तीन शपथ लिया। पहला शपथ कि इसको शहर जैसा कोई आर्टिफिशियल प्लेस नहीं करेंगे, लॉन ये वो ऐसा कुछ आर्टिफिशियल पेड़ डेकोरेशन ऐसा नहीं करेंगे, ये हमने सोचा। दूसरा सोचा, अभी तक सोचे हैं कि यहाँ पे जो हम नाटक में करते हैं उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम नीचे सोते हैं, बिकॉज वी डिड प्ले अबाउट डिफॉरेस्टेशन। तो वीमेन्स लीडरशिप इन थिएटर, इसी को मानते हुए हमने ट्रेनिंग लिया है, तो हमने वीमेन लीडरशिप को प्रमोट किया है हमारे बीच में। ऐसे ही हमने सोचा कि यहाँ पे किसी कॉरपोरेट का पैसा, कोई कंट्रोल सिस्टम का पैसा नहीं डालेंगे, किसी को मांगेंगे नहीं। तो इसीलिए बहुत धीरे धीरे हर मार्च के पहले हम देखते हैं कितना पैसा इस साल सेविंग्स है क्या, जो भी है उसको डालो। ऐसे करते करते 91 में ख़रीदा गया लैंड, 2001 में पहला इलेक्ट्रिसिटी आया था और 99 तक यहाँ पे तीन कमरा ही था, जो पुआल का थैचर्ड हाउस वही था, वो आश्रम के पार्ट, मतलब वहाँ पे हम लोग आप लोग रिहर्सल करते रहे हैं, वो सब दूसरा था। और 99 सुपर साइक्लोन में पहला क्रश हुआ उधर, तो उसके बाद किसी ने हमको डोनेट किया तो पैसा ये म्यूजियम बिल्डिंग, लाल बिल्डिंग, उसके बाद हुआ फर्स्ट कंक्रीट बिल्डिंग। भरत मुनि ने 2500 साल पहले एक मुखी मंच क्या होना चाहिए वो पूरा डायग्राम करके सब कुछ लिख के गए हैं। तो हमने शपथ लिया कि हम ऐसे ढंग का एक मुखी मंच करेंगे जो ब्रिटिश लोगों का प्रोसीनियम के साथ नहीं मिलेगा। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि उनका विंग्स है और हमारा जो भरत मुनि का डायग्राम है उसमें वॉल है, एंट्री एग्जिट जो नेपथ्य है, बैक स्टेज इज नॉट इन बोथ साइड, इट इज इन बैक साइड। और दूसरा लाइट कटिंग, लाइट इफेक्ट, लाइट का कुछ नहीं है, दृश्य परिवर्तन होता था जस्ट पात्र पात्रिका आना जाना से। और तीसरा हमारे नाटक में गीत नाच ये सब होता था, क्योंकि हमारा जो एक्टर है इंडियन एक्टर should not just know how to give facial reaction, it has to he has to be ready for anything, dance, गीत ये सब। और सारे दुनिया में हमारे सिनेमा में गीत इसीलिए है, पहला जो सिनेमा आया था उसमें गीत ना डाल के इमिटेट करके दूसरों को, विदेश को हमने किया था इंडिया में, लेकिन वो फेल हुआ क्योंकि लोगों के पास फोक थिएटर ही था एक्सपोजर, और फोक थिएटर में गिना बिना गीत कोई एक्शन देखने का मन नहीं था ऑडियंस को, दे वर एडिक्टेड। तो इसीलिए इसमें तो गीत डाला गया।
लेकिन हमारे प्रोशिनियम वाले जब इतने ज़ोर से काम कर रहे थे, उनका पास गीत नहीं होता था, डांस नहीं होता था, ये लोग ओनली एक्टिंग करते थे स्टेज में, बड़े बड़े एक्टर्स। तो हमने ऐसे कुछ चीज़ दो चार चीज़ लिया कि हम वो क्या करते हैं वो नहीं करेंगे, उसी शपथ में हमने अंदर गए, तो इसीलिए हमारा स्टाइल दूसरा हो गया। और ये जो दो द्वार है स्टेज में, ये पट्टी अपट्टी बोल के जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे नाट्य शास्त्र में, ये 2500 साल पुराना मॉडल है, तो इसीलिए हमारा नेपथ्य पीछे है। और जो स्टेज का डिज़ाइन प्रोसिनियम वाले हमको सिखा के फंसाया कि रियलिज्म होना चाहिए, कोई ड्राइंग रूम है तो ड्राइंग रूम का पूरा रियलिस्टिक कुछ अप्रोच हो, कोई सूरज का उदय दिखाना है तो पूरा लाइटिंग में दिखाना हो, कोई ट्रेन का पासिंग शॉट है तो ट्रेन का पासिंग शॉट लाइटिंग में दिखा दो, ऐसे कुछ जो हुआ था हमने बोला कि नहीं, हम कुछ सच नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा फोक थिएटर जो हमारे रामायण महाभारत जो भी है हमारे माइथोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है, माइथोलॉजी इज़ नथिंग बट ऑल सिम्बलिक प्रेजेंटेशन ऑफ आवर ओन लाइफ, तो फोक थिएटर में हमने देखा कि वो सिम्बलिक सेटिंग्स होता है कभी कभी। प्रहलाद नाटक में 7 स्टेप्स है, वो स्टेप को ही कभी क्या क्या इमेजिन कर देते हैं, स्पेस बदल जाता है, कभी पैलेस होता है, कभी आश्रम होता है, कभी जंगल होता है, उसका पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो इसीलिए हमने आई वॉज ए गुड स्काउट, तो लाठी और धागे को लेके हम स्काउट में गैजेट्स करते थे, तो हमको लगा कि वो गैजेट का आइडिया लगाएंगे क्योंकि वो बांधने में बड़ा हो जाएगा और खुल देने से इतना छोटा सा गांठ हो जाएगा बस। तो ये भी एक रिसर्च किया था कि 300-400 साल पुराना जो फॉर्म्स हैं वो क्यों बचा है, सरकार पैसा से बचा है क्या, 300 साल कौन बचाया, तो उसमें से जो जो कारण था उसमें से ये एक बहुत बड़ा कारण था कि ऑल फोक थिएटर फॉर्म्स आर पोर्टेबल, क्लासिकल रूल्स जो भी लिखा है नाट्य शास्त्र में उसका मतलब है कि उससे पहले प्रैक्टिस था। वो प्रैक्टिस का नाम क्या होता होगा सोचिए, भरत मुनि जब लिखा वो जो लिखा उससे पहले नाटक था या नहीं था, हर समय ये नॉर्मल होता है। सपोज प्रिंटिंग का कुछ थ्योरी बना है, एक्टिंग का थ्योरी बना है, पहला क्या स्टैनिस्लावस्की बोला उसके बाद प्रैक्टिस हुआ, ऐसा तो नहीं, पहले प्रैक्टिस हुआ और स्टैनिस्लावस्की ने इसको एक एकेडमिक एंगल दिया तब ये थ्योरी बना, तब ये प्रिंसिपल जैसा कनेक्शन बना। तो ऐसा ही हर चीज़ में प्रैक्टिस पहले होता है उसके बाद थ्योरी आता है। तो भरत मुनि ने ये लिखा मतलब है उससे पहले भी नाटक था, और मेरे हिसाब से उसी नाटक को नाम और कुछ नहीं होता, फोक थिएटर होता है। तो फोक थिएटर इज द मदर ऑफ क्लासिकल थिएटर, उसी में जो जो चीज ठीक ठाक नहीं है उसको छोड़ दिया, जो जो चीज ठीक ठाक है उसको ले लिया। इसीलिए अभी भी फोक थिएटर में कुछ सारे प्रिंसिपल हैं जो लोग करते हैं उनको पता नहीं क्लासिकल थिएटर क्या है, क्लासिक क्या है, भरत मुनि कौन है, नाट्यशास्त्र कौन है, उनको पता नहीं, लेकिन इन्होंने वही प्रिंसिपल सब करते हैं जो भरत मुनि ने लिखा। सपोज नाटक से पहले भगवान को प्रार्थना करना, दर्शक को प्रार्थना करना, स्टेज को पूजा करना, ये सब जो होता है नॉर्मल फोक थिएटर में, यही सब लिखा है भरत मुनि ने। बट दीज पीपल दे नेवर न्यू व्हाट इज संस्कृत, हु इज भरत मुनि एंड व्हाट इज नाट्यशास्त्र, बट दे प्रैक्टिस एंड इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ कंटिन्यूस 300 ईयर्स, maybe more 3000 years for particular form which we see. उससे पहले और कोई दूसरा फॉर्म होता होगा, उससे पहले और कोई दूसरा फॉर्मूला होता होगा, बट दे हैव डिस्कवर्ड दिस एंड दिस इलिटरेट पीपल दे हैव नेवर थॉट ऑफ रीडिंग नाट्यशास्त्र, क्योंकि हम तो हमारे ज़माने में अभी अभी उड़िया में नाट्यशास्त्र आ रहा है, ट्रांसलेशन नहीं हुआ था, हमने जीवन में कभी नहीं देखा नाट्यशास्त्र इकट्ठे संस्कृत में क्या कैसे होता है। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि फोक थिएटर इज़ द मदर ऑफ क्लासिकल थिएटर, और जो अभी विजिबल है, हमें कुछ विजिबिलिटी चाहिए था, और हमारा क्लासिकल थिएटर एक्चुअली विजिबल होता
तो अभी भी दुनिया को सिखाता, अभी भी हमको मास्टर मानते। ये दुख का बात है कि क्लासिकल थिएटर जब हुआ, प्रिंसिपल थिएटर, वो सब किंगडम के अंदर रहा, राजा के कंट्रोल में रहा, तो कंट्रोल थिएटर डाइड। द थिएटर विच इज़ फ्री, फ्री थिएटर जो है, जो बादल जी ने बताए थे, वो थिएटर बच के रहा। इसीलिए अभी भी फोक थिएटर होता है, उनका बाउंड्री नहीं है, लोगों को पैसा, कोई कंपलसरी टिकट शो नहीं है, सब कुछ फ्री है, डोनेशन में चलता है, कोई सरकार पैसा नहीं देता बचाने के लिए। अभी उनका प्रचार के लिए फोक थिएटर को यूज़ करते हैं, क्योंकि फोक थिएटर का स्ट्रेंथ सरकार को पता है।